टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। टाइटल से देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मेकअप प्रोडक्ट और साथ ही साथ अपना जो वैनिटी टूर है वो मैं देने वाली हूँ। अभी जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, पहले मैं आई वॉज सो मच इन टू मेकअप और मैं इतना फैंटेसाइज होती थी मेकअप देख करके, मतलब मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था मेकअप। बट नाउ आई एम टूवर्ड्स, यू नो, मुझे थोड़ा मतलब मेकअप मेरा जो पूरा एक होता है ना सैचुरेशन लेवल, आपके पास इतनी चीजें हो चुकी होती हैं, आप सब कुछ देख चुके होते हो, तो आपका एक लेवल आता है जिसमें आपको अब ये सब चीज मुझे अट्रैक्ट नहीं करती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जितना कम और बेस्ट से बेस्ट सामान और कम सामान होना चाहिए, लिमिटेड सामान होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो मैं मिनिमलिज्म की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही हूँ। एंड अभी ऑब्वियसली आई कांट से कि मैं मिनिमलिस्टिक हो चुकी हूँ, बिल्कुल नहीं हुई हूँ, बट मुझे वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करने लग गई हैं। मिनिमलिज्म मुझे अट्रैक्ट करने लग गया है। बहुत सारा ऐसा है जो यू नो आई एम यूट्यूब ही, यूट्यूब में एज अ पर्सन मैं बहुत ग्रो हुई हूँ, बहुत चेंज हुई हूँ, बहुत इवॉल्व हुई हूँ। तो यस, और अभी मुझे यू नो मैंने बहुत सारी चीजें बहुत सारी बार डिस्कार्ड किया है अपना मेकअप का सामान, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो मैं कुछ डिस्क्लेमर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना जो वैनिटी है, जो अपना ड्रेसर है, जो अपना ड्रेसिंग टेबल है पुराना वाला, वो चेंज कर दिया है और मैंने अपना नया एक कस्टमाइज ड्रेसिंग टेबल बनवाया है। और पहले मैं कुछ और बनवाना चाहती थी, मैं थोड़ा वो ग्लैमरस टाइप का जो ड्रेसिंग टेबल नहीं होता है बिल्कुल बड़ा सा एंड देन नीचे बहुत सारे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, वैसा बनवाना चाहती थी। हमारे कुछ यू नो रिस्ट्रिक्शंस हैं बिकॉज वी आर लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट और इतना बड़ा ड्रेसिंग टेबल बनवाना, तो हम लोगों ने यू नो मल्टीपर्पज ड्रेसिंग टेबल बनवाया है। इसमें काफ़ी सारा स्टोरेज है और जैसा मुझे चाहिए था ये डिज़ाइन पूरा मैंने किया है, मेजरमेंट्स पूरे मैंने किए हैं। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली डेडिकेटेड फॉर माई मेकअप आइटम्स, इसमें मैंने काफ़ी सारे अलग अलग सेक्शंस अपने बैग्स के लिए, अपने हैंड बैग्स के लिए, अपने यू नो गैजेट्स के लिए, जो मेरा कैमरा वगैरह यूज़ होता है, तो मैंने अलग अलग सेक्शन डेडिकेट किया है हर एक चीज़ के लिए। उसको दिमाग में रखते हुए मैंने ये डिज़ाइन किया है, एक एक सेक्शन डेडिकेटेड है इसमें क्या रखना था वैसा एंड ऑल दैट। तो यस, मैं आपको पहले इसका टूर देती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। सो दिस इज़ माई न्यू ड्रेसिंग टेबल एंड इसके जो इवन जो आप चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स देख रहे हैं ये भी अलग अलग मेजरमेंट्स में मैंने बनवाए हैं। एंड ये जो ऊपर का आप कैबिनेट देख रहे हैं ये अलग हो सकता है, दिस इज़ डिटैचेबल। एंड ये दिख रहे हैं विथ लाइट्स के थ्रू, तो ऑब्वियसली मेरे लास्ट जो ड्रेसिंग टेबल था उसमें हमने खुद ये सब लाइट्स लगवाई थी और इस बार हमने जिनसे बनवाया है उन्हीं को पूरा गाइड किया था कि कैसे कैसे मुझे लाइट्स चाहिए। तो ये मैग्नेटिक लाइट्स मैंने यहाँ पर लगाई हैं और जो आप ऊपर देख रहे हैं ये पुराने ड्रेसिंग टेबल की लाइट है, ये बड़ी साइज की थी इसलिए सारी रीयूज नहीं हो सकी। अभी ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है, प्रॉपरली इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, अभी सिर्फ मुझे जैसा जैसा लग रहा था, जैसा मुझे ठीक लग रहा था मैंने उसको वैसे ही ऑर्गेनाइज कर दिया है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है। सो यस, तो सबसे पहले आते हैं इस सेक्शन के तरफ। काफ़ी सारा स्पेस है, मतलब मेरा मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो इसमें ही आ गई थी और अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने लाइट्स लगवाई है उसका फ़ायदा ये है कि ये अंदर की तरफ लाइट आती है, सो दैट अगर मुझे कुछ भी सामान निकालना हो तो मुझे ऐसे लिपस्टिक के शेड्स होते हैं उनको देखने में कुछ टॉर्च की या अलग से लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने ये ऊपर ऐसे लाइट्स लगवाई हैं। नाउ कमिंग टू दीज बॉक्सेस, तो इनके अंदर मैंने अपनी जितनी भी वॉचेस है, ये मैक का बॉक्स है, इसमें सब मेरी वॉच रखी हुई हैं, चार्जर्स रखे हुए हैं स्मार्ट वॉचेस के, और जो मेरी नॉर्मल एनालॉग वॉचेस हैं वो सब कुछ मैंने इसी के अंदर रखा हुआ है। एंड देन इस वाले बॉक्स में आते हैं तो ये वो ग्लैमिको के जो बहुत सारे बॉक्सेस आते थे ना उसमें ये मेरे आईलैशेस रखे हुए हैं एंड मेरी जितने भी बिंदी और आईलैशेस हैं वो इसके अंदर है। देन कमिंग टू दिस सेक्शन, इसके अंदर मैंने रखा हुआ है मेरे जितने भी फेक नेल्स हैं वो रखे हैं। एंड कमिंग टू दिस सेक्शन, इसके अंदर मेरी सिल्वर वाली जितनी भी ज्वेलरीज हैं मैंने वो रख के रखा हुआ है। एंड कमिंग टू दिस वन, इसमें मेरा हेयर रिलेटेड सामान है, तो ऐसे मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। नाउ आई हैव डिस्कार्डेड ऑल माई परफ्यूम्स, मैंने बहुत टाइम से कोई परफ्यूम परचेज नहीं किया था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे, आपको याद होगा पुराने वाले ड्रेसिंग टेबल में ऊपर वाला जो सेक्शन था उसमें सिर्फ परफ्यूम्स थे, तो मैंने काफ़ी टाइम से कोई परफ्यूम परचेज नहीं किया ताकि वो जितने भी खत्म होते जा रहा था और मैं फेंकती जा रही थी। सिर्फ मुझे दो या तीन परफ्यूम्स ही चाहिए थे जो मुझे एकदम परफेक्ट लगते हैं और जो मेरे फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग है, तो अभी मेरे पास सिर्फ तीन परफ्यूम्स हैं, तीन या चार ही हैं। तो एक तो ये है विक्टोरिया सीक्रेट्स का पेटल एज, अगर आपको कोई बाहर से आ रहा है इंडिया में तो आई डोंट थिंक सो वो लोग डिलीवर करते हैं, बट अगर कोई बाहर से आ रहा है और वहाँ पर एयरपोर्ट पे विक्टोरिया सीक्रेट है, टेल हिम और हर टू गेट योर सेल्फ दिस पेटल एज। ये इतना ब्यूटिफुल इसका फ्रेग्रेंस है कि आप अगर लगा रहे हो, पहली बात तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ये टिकता है पूरे 8-9 घंटे तक, और अगर आपने लगा लिया और आप लगा के कहीं से क्रॉस कर रहे हो ना तो सामने वाले को आपकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो आती है, बहुत
मतलब ये सर पे भी नहीं चढ़ती इनकी फ्रेग्रेंस। और दूसरी ये है विक्टोरिया सीक्रेट का एम्बर रोमांस, ये दोनों ही मेरे बहुत फेवरेट हैं। और तीसरा अगेन विक्टोरिया सीक्रेट, जो बहुत पहले नहीं आता था पैकेजिंग, उस तरह की पैकेजिंग में है। और ये है ब्लिस फॉरएवर, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जैगुआर, ये विक्की का है। विक्की सिर्फ ये जैगुआर का क्लासिक वाला ही लगाता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं लगाता। देन ये प्लेबॉय का, ये मेरा है जो कि खत्म होने वाला है। देन ये चाइना ब्लू एमएनएस का टाइकम पाउडर रखा हुआ है, और ये वाला जो पाउडर है दिस इज एंटी फंगल पाउडर, तो ये विक्की यूज करता है बिकॉज वो जिम वगैरह जाता है तो अपने पैरों में लगाता है एंड ऑल दैट। तो यस, ये दोनों चीजें विक्की का है। देन यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये काफी सारे मेरे पास यू नो पॉकेट साइज वाले जो परफ्यूम्स होते हैं एंगेज के, वो रखे हुए हैं। एंड ये एक सैनिटाइजर है, और ये बॉडी शॉप का स्ट्रॉबेरी वाला परफ्यूम है, जो मैं बॉडी लोशन लगाती हूँ वही है। और ये भी खत्म होने वाला है, तो जैसे ही ये खत्म हो जाएगा ये भी, इसको भी मैं मतलब डिस्कार्ड कर दूंगी एंड दैट्स इट। यही दो परफ्यूम्स रहेंगे। उसके बाद एक ये मिरर है, जब मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ तो मैं ये मिरर यूज करती हूँ। कमिंग टू दिस सेक्शन, इसमें मेरी सारी लिपस्टिक्स हैं, जो लिपस्टिक्स मैं रेगुलरली यूज करती हूँ वो लिपस्टिक्स अब इसके अंदर हैं। तो यहाँ पर कलर पॉप का है कलेक्शन, देन यहाँ पर मैक रखा हुआ है, एंड दिस इज स्मैश बॉक्स। तो ये सब मेरे लिपस्टिक्स हैं जो मैं एक्चुअली मैं यूज करती हूँ, के अंदर रेड्स हैं, देन डार्क रेड्स हैं। उसके बाद ये वाले मेरे लिप बाम्स हैं, और ये वो न्यूड शेड्स हैं जो मैं डेली यूजेस में लगाती हूँ। ये वो शेड्स हैं जो मैं यूजुअली डेली यूज में यूज करती हूँ। देन यहाँ पर कुछ ब्रशेज हैं, और पीछे जो मेरे ब्रशेज मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ वो ब्रशेज रखे हुए हैं। यहाँ पर मेरे सारे आई लाइनर्स हैं, लिक्विड आई लाइनर्स, ग्लिटर आई लाइनर्स, वो सब रखे हुए हैं। देन ये बहुत रैंडम सा स्टफ है। एंड देन यहाँ पर मेरे सारे काजल पेंसिल्स और आईब्रो पेंसिल्स, वो सब रखा हुआ है। एंड लास्ट में कुछ कॉम्ब्स रखे हुए हैं, दैट्स इट। और अगेन यहाँ पर दो रैंडमली काजल है। नाउ कमिंग टू द थर्ड सेक्शन, यहाँ पर मैंने पूरा अपना डे टू डे वाला जो स्किन केयर है वो रखा हुआ है। एंड ये मेरा एपिसॉफ्ट मॉइस्चराइजर है, देन यहाँ पर सनस्क्रीन है जो मैं यूज़ करती हूँ, देन अगेन एक मॉइस्चराइजर है, और ये मेरा सेरम है जो कि टी ट्री बॉडी शॉप वाला एंटी इम्परफेक्शन सेरम है। देन ये मेरा बॉडी शॉप स्ट्रॉबेरी जेल लोशन है, ये मेरा टोनर है, ये अगेन मेरा सनस्क्रीन है। देन वहाँ पर लॉरियल माइक्रो एसेंस है, एंड यू नो मेरा जो भी डे टू डे यूज़ वाली चीज़ें होती है वो है ये जो आप देख रहे हैं प्लम वाला। यहाँ पर जितने भी मेरे एक्ने वाले जेल्स हैं, अंडर आई जेल्स हैं, वो रखे हुए हैं। ये मेरे ज़ारा के रोल ऑन परफ्यूम्स हैं सारे, जो मैं अपने बैग में रख सकती हूँ, काफ़ी हैंडी। देन ये मामा अर्थ का सेरम है जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ। देन ये मेरे कॉटन पैड्स हैं जो कि रीयूजेबल कॉटन पैड्स हैं, आपको ईजिली अमेजन पे मिल जाएंगे ये। देन ये मेरा नाइट क्रीम है, ये सब मैं अपनी जो स्किन केयर है वो अपने स्किन केयर वीडियो में शो कर चुकी हूँ। देन यहाँ पर रैंडमली नो मेरी क्लिप्स एंड रबर्स वगैरह जो होते हैं वो रखे हुए हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ मैंने कोई भी नया ऑर्गेनाइजर, फैंसी ऑर्गेनाइजर परचेस नहीं किया है, जो भी मेरे पुराने ड्रेसर में सामान था वही सब मैं रीयूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। अभी आते हैं फर्स्ट ड्रॉर की तरफ। तो यहाँ पर मेरा पूरा मेकअप का आइटम है जो भी मैं यूज़ करती हूँ करंटली, और जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ। कुछ अभी भी अननेसेसरी थिंग्स एक दो मुझे लगती हैं, बट अभी मैं उनको डिस्कार्ड नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मैं समटाइम्स इन अ वीडियो या कभी कभार मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये सब आप पैलेट्स जो देख रहे हैं ये मेरी काफ़ी पहले की परचेज करी हुई हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से तो मैं मेकअप, मतलब आई थिंक इट्स मोर देन 8 months की मैंने कुछ भी मेकअप का जो ये पैलेट्स वगैरह होती है तो मैंने परचेस करी ही नहीं है। ये सब आप जो देख रहे हैं ये दो दो साल डेढ़ डेढ़ साल पुराना सामान है मेरे पास, जब मुझे मेकअप का बहुत शौक हुआ करता था। तो यस, ये है नीतियो की पैलेट, देन ये निका के का पैलेट है। नाउ ये जो आप देख रहे हैं कंसीलर जिसमें मैंने रखा है, ये ग्लास है, वाइन ग्लास है जिसमें मैंने कंसीलर्स रख के रखे हुए हैं। और ये है बेनिफिट का यू नो ब्लॉटिंग पेपर वाला कुछ, तो भी मैंने लिया था जिसको मैंने लिया और उसके बाद आई लिटरली रिग्रेट बाइंग दिस वन, बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव था और मेरा बिल्कुल इम्पल्सिव परचेस था। एंड ये है मेरे मस्कारास, तो जो भी यू नो मेकअप वाला सामान है वो सब यहाँ पर रखे रखा है, सारे एले प्रो के कंसीलर हैं। एंड कमिंग टू द दीज, आई हैव ओनली 2 कॉम्पैक्ट राइट नाउ, मेरे पास और कोई भी कॉम्पैक्ट नहीं है। ये बनाना पाउडर है मेकअप रेवोल्यूशन का, देन ये इंडालजियो का रोज गोल्ड ऑयल है। आई स्वेयर बाय दिस प्रोडक्ट, इफ यू हैव ड्राई स्किन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। एंड ये है बॉडी शॉप का टी ट्री लोशन, मैटिफाइंग लोशन, देन बीबी क्रीम, ऑल द रैंडम स्टफ। आई थिंक मतलब अगर मैं एक एक प्रोडक्ट आपको बताऊंगी तो मेरा आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ। मैं फटाफट से आपको बस ये मेकअप वाला जो है यही बता रही हूँ कि मेरे पास अभी कोई बहुत फैंसी चीज़ें नहीं है, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग ऑल दीज थिंग्स।
नाउ आप ये जो फाउंडेशन वाला देख रहे हैं इसको मैंने रखा हुआ है, जो लॉरियल का माइक्रो एसेंस का बॉक्स आया था उस बॉक्स को मैंने रीयूज किया है और उसमें मेरे फाउंडेशंस फिट इन करे हैं। ये जो ड्रॉअर है मैंने बनवाया इस पर्पज से था कि मेरे जो फाउंडेशन बॉटल्स हैं वो स्ट्रेट अवे इसके अंदर रखा जाए। देन नेक्स्ट आते हैं सेकेंड वाले ड्रॉअर में, तो यहाँ पर मैंने रख के रखी है नेल पेंट्स। तो ये एक्चुअली लंच बॉक्स है जो आप नीचे देख रहे हैं प्लास्टिक का, उसको मैंने यूज़ किया है। देन अगेन ये जो नीचे आप एक और व्हाइट कलर का बॉक्स देख रहे हैं ये भी मैंने कुछ कुछ ऐसे रीयूज़ किया हुआ है और बहुत रैंडम सा स्टफ है। मेरी नेल पेंट्स है, मेरे लेंसेज है, मेरे नेल पेंट रिमूवर्स है, देन मेकअप ब्रश रिमूवर है। बहुत ही एस्थेटिकली अभी मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, ये दिख नहीं रहा है इस तरह से, बट ठीक है काम चलाऊ चल रहा है। नाउ कमिंग टू द थर्ड ड्रॉअर, यहाँ पर मेरे सारे हेयर रिलेटेड टूल्स रखे हुए हैं। ये मेरा हेयर ड्रायर है जो कि क्रोमा का है, इसको मैं 2-2.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, अमेजिंगली वर्क करता है। देन ये आइकॉनिक का क्रिम्पर काइंड ऑफ टूल है, ये भी बहुत अमेजिंग है। उसके बाद मेरी हेयर कर्लिंग टूल रखी हुई है, माई स्ट्रेटनर, एंड यू नो ऐसी बहुत सारा रैंडमली स्टफ है जो जो मैं यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए। मैं काफ़ी अवॉइड करती हूँ हीट यूज़ करना अपने बालों में, बट समटाइम्स आई डू यूज़ इट, और ये भी हेयर रिलेटेड टूल्स हैं। तो ये जो फोर्थ वाला ड्रॉअर है ये बड़ा है और इसका मेजरमेंट थोड़ा अलग है, और ये मैंने पर्पसली अपने जो गैजेट्स हैं, जो मेरे टूल्स हैं, जो मैं काम करती हूँ, मेरा प्लानर वगैरह, उन सब के लिए पर्पसली बनवाया था। क्योंकि मेरा जो स्टडी टेबल है वो मैंने हटा दिया है अपने घर से, तो मेरे पास इसके लिए कोई डेजिग्नेटेड जगह नहीं थी, तो मैंने ये पर्पसली अपने लैपटॉप, अपना कैमरा, ट्राईपॉड, प्लानर्स, मेरे जो भी काम करने की चीज़ें हैं उसके लिए बनवाया था। नाउ कमिंग टू द राइट साइड ऑफ दिस ड्रेसर, तो ये इसमें काफ़ी सारे स्टोरेज हैं और काफ़ी स्लीक सा मैंने बनवाया है विथ फुल ऑफ स्टोरेज, एंड इसका मेन पर्पस ये था बिकॉज बीइंग अ यूट्यूबर आई रिसीव लॉट ऑफ पीआर पैकेजिंग, और मेरे घर में पूरे इधर उधर पीआर पैकेजेस पड़े रहते हैं, कोई डेजिग्नेटेड उनकी जगह नहीं होती है, और क्योंकि वो इधर उधर रखा जाते हैं तो मैं भूल जाती हूँ बहुत सारी बार कि मुझे किसका वीडियो बनाना है, क्या करना है, एंड यू नो बहुत सारी बार ऐसे मिस आउट भी हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ये इतना सारा स्पेशियस वाला बनवाया है, और प्लीज़ बेयर विथ मी बिकॉज यू नो अभी तो ये बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज नहीं है, मैंने लिटरली इसमें सामान भरा हुआ है, अभी आपको भी दिख रहा है, बिल्कुल भी एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लग रहा है ये। ऑल्दो मैं कुछ भी नया नहीं खरीदने वाली हूँ, कोई ऑर्गेनाइजर्स में परचेस नहीं करने वाली हूँ, मैं इसी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगी, बट अभी बिल्कुल रैंडमली मैंने सब कुछ भर दिया है बिकॉज ये 5-6 डेज इसको आए हुए हुए हैं और मैंने ये वीडियो शूट किया है। इसमें टोटल 6 शेल्स हैं और काफी सारे जो ऊपर के 3 शेल्स हैं उसमें मैं अपना पीआर पैकेजिंग के लिए डेडिकेट करने वाली हूँ। देन यहाँ पर ये सब रैंडम स्टफ है जो मेरे पास पाउचेस है, ये मेरा ब्रश का सेट है, एंड ये मेरे ट्रैवल मेकअप बैग है, और पीछे जो है लॉरियल पैरिस वाला मेकअप बैग है, तो वो सब मैंने यहाँ पे रख दिया है। देन ये मेरा स्पा कैप है जो मैंने यहीं पे रखा हुआ है। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक इस तरह का ऑर्गेनाइज़र है जो कि कपड़े का है, क्लोथ ऑर्गेनाइज़र है, और उसमें मैंने अपनी आयरन रखी हुई है। उसके नीचे एक और शेल्फ है जो मैं दिखा नहीं रही हूँ, दैट इज़ बिट पर्सनल। बस इतना ही है, इसके इतने ही शेल्फ हैं और ये इस तरह से दिखता है, काफ़ी स्लीक सा दिखता है। अब आते हैं ऊपर के ड्रॉर्स के ऊपर, ये स्पेसिफिकली मैंने अपने हैंडबैग्स के लिए बनवाया था ताकि मैं अपने हैंडबैग्स रख सकूँ, स्टोरेज कर सकूँ, एंड जो मेरा करंटली हैंडबैग है वो मैंने यहाँ पर नीचे रख के रखा हुआ है, ये वाला अभी मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जो यूज़ नहीं कर रही हूँ वो सारे मैंने यहाँ रखे हुए हैं, कुछ मुझे अभी इसमें से डिस्कार्ड भी करने हैं, तो यहाँ पर मैंने हैंडबैग रखे रखा हुआ है। एंड उसके जो साइड वाला है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ड्रॉअर है वो मैं आपको बताती हूँ, उसमें आई थिंक अभी भी उसमें काफ़ी सारा खाली है। तो यहाँ पर मेरी रंगोली रखी हुई है, देन जेंगा रखा हुआ है, कॉटन रखा हुआ है, ऊपर वाला आप देख सकते हो अभी भी खाली है बिकॉज इतना स्टोरेज हो गया है इसमें कि अभी मेरे पास इतना सामान भी नहीं है और मैं काफ़ी कुछ डिस्कार्ड भी करती हूँ, तो धीरे धीरे आई नो वो कुछ पैकेज आएगा, कुछ पीआर पैकेज आएगा, वो वहाँ पर भर जाएगा ईजिली और इतना एम्प्टी नहीं रहने वाला है वो फॉर श्योर। नाउ कमिंग टू दीज नॉब्स, और जो इसमें लाइट लगी हुई है वो सब हमारी खुद की थी, तो अपार्ट फ्रॉम द मेकिंग चार्जेस ऑफ दिस ड्रेसिंग टेबल ये नॉब्स और ये वाला भी हम ही लोगों ने उनको प्रोवाइड किया था। So yes, that's it for my video. I hope you really like this video. If you do so, then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. And मैं मिलती हूँ आपको मेरे next video में. Till then, bye.